यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसे बेहतरीन शेयर जिसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं आपका पोर्टफोलियो हमेशा सेफ रहेगा, साथ साथ आपके जो पोर्टफोलियो में है बुलेट की रफ्तार से तेज रिटर्न देने वाले स्टॉक्स भी होंगे, साथ ही साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स भी होंगे। मतलब ये 20 शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, काफी अच्छे रिटर्न भी देते हैं और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बुलेट के रफ्तार से चलने वाले स्टॉक्स हैं। तो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर और ऐसे बेहतरीन ग्रोथ वाले स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखनी चाहिए। तो फटाफट हम बात करेंगे ऐसे 20 शेयर्स के। तो जो स्टॉक मार्केट का सबसे अभी बेहतरीन रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हैं उसमें है बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक हर गिरावट में आपको बाय करना चाहिए, ये आपके पोर्टफोलियो का जरूर हिस्सा होना चाहिए। देखिए ये स्टॉक्स गिर करके एक साल में आया था 1800 रुपये के आसपास आया था। अगर आप 1800 रुपये पर इसे ऐड करते तो अभी देखिए 6231 रुपये पर जा चुका है, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न प्राप्त होता। तो जो फाइनेंस सेक्टर है उसकी लीडर कंपनियां है, तो सेक्टर की लीडर कंपनियां और इतना बेहतर रिटर्न दे रहा हो तो वो आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्री। तो हम फटाफट इसमें बात करेंगे उन 20 स्टॉक के जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो आरती इंडस्ट्री दूसरे नंबर पर, देखिए केमिकल और फार्मास्यूटिकल दोनों बिजनेस करती है कंपनी और काफी बेहतरीन कंपनी है और ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। हर गिरावट में आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। देखिए जो 2020 है उसमें गिरावट में स्टॉक काफी नीचे मिल रहा था, लगभग 350 रुपीज, और अभी देखिए 900 के आसपास है। तो कितना सॉलिड ये स्टॉक है और कितना सॉलिड आपके पोर्टफोलियो को सेफ भी रखेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी देगा, तो ये आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद अगला है एल्काइल एमिन्स, बुलेट की रफ्तार से रिटर्न देने वाला। देखिए केमिकल सेक्टर के कई सारे स्टॉक है जैसे आरती इंडस्ट्री पता है, और भी स्टॉक इस वीडियो में आएंगे, लेकिन उन सारे स्टॉक में ये स्टॉक सबसे बेहतर है। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था जिसे आप चैनल पर जाकर के देख भी सकते हैं। और इसका प्राइस थोड़ा महंगा है 4622 रुपीज का, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए 5% का आज भी ये ऊपर है, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए, हर गिरावट में ऐड करते रहिए। अगला स्टॉक है पिडलाइट इंडस्ट्री। देखिए पिडलाइट हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये तो निश्चित रूप से अपने पोर्टफोलियो में रखिए। देखिए ये स्टॉक ऐसे हैं जो कि हमेशा आपको बेहतर रिटर्न देंगे, तो ये स्टॉक हर गिरावट में ऐड कीजिए। देखिए ये स्टॉक हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दे, किसी भी गिरावट में आप बाय करते हैं और स्टॉक कभी भी वीकनेस नहीं आया है, क्योंकि ये एक मोनोपोली रखता है इंडियन मार्केट में। करंट प्राइस 2300 है और फेविकॉल जो है इस कंपनी का बहुत ही मतलब मोनोपोली वाला एक ब्रांड है, तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए हर गिरावट में। अगला है नवीन फ्लोरिन, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये भी केमिकल सेक्टर से स्टॉक है और इस स्टॉक को आप चाहे तो हर गिरावट में ऐड कर सकते हैं। 3681 रुपीज इसका करेंट प्राइस है और काफ़ी बेहतरीन चार्ट है लॉन्ग टर्म में। अगला स्टॉक है एस्ट्रल, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए इस कंपनी के बारे में भी हमने डिटेल से वीडियो बनाया था जिसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी कंपनी का बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। 32,000 करोड़ का रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, 2029 रुपीज इसका करेंट प्राइस है, ये भी काफ़ी बेहतर स्टॉक है। उसके बाद है दीपक नाइट्रेट, 10,000% का रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, काफ़ी बेहतरीन है, 1909 रुपीज इसका करेंट प्राइस है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है पीआई इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन, 3000 इसका करेंट प्राइस है और 4000% का ये रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, तो ये भी काफ़ी बेहतर स्टॉक है। उसके बाद कैरिला हेल्थ केयर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, 598 रुपीज इसका करेंट प्राइस है, 7191% का इसका रिटर्न है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। उसके बाद अगला है रिलैक्सो फुटवेयर, 1170 रुपीज इसका करेंट प्राइस है और देखिए लॉन्ग टर्म में 8158% का रिटर्न है जो कि काफ़ी सॉलिड है, वो भी ऐड करते हैं। देखिए फुटवेयर इंडस्ट्री का लीडर स्टॉक है तो आपको ये स्टॉक जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पैंडमिक से कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं, तो ऐसे स्टॉक तो पोर्टफोलियो में रहने ही चाहिए। उसके बाद है एशियन पेंट, एशियन पेंट काफ़ी बेहतरीन, फिर मोनोपोली प्रोडक्ट वाले स्टॉक्स, जिस कंपनी का प्रोडक्ट का ही मोनोपोली हो इंडियन मार्केट में और इतनी बनी इकोनॉमी में, तो वो स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए। जब तक ये स्टॉक अपना सेक्टर लीडर बना हुआ है, मतलब इसके प्रोडक्ट सेक्टर को लीड कर है, तब तक बनी रही है, 3028 रुपीज का करेंट प्राइस है। फिर रिलायंस इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन है, 2055 रुपीज जो है इसका
करेंट प्राइस है और देखिए लॉन्ग टर्म में काफी ये भी अच्छा रिटर्न दिया है। ये तो सेक्टर के लीडर स्टॉक है, मार्केट कैप में सबसे बड़ी इंडियन कंपनी है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उसके बाद टाइटन काफी बेहतरीन स्टॉक, टाटा ग्रुप का स्टॉक और 1729 रुपये करेंट प्राइस है। ये भी ज्वेलरी सेक्टर का एक लीडर स्टॉक है, आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। उसके बाद HDFC बैंक, बैंकिंग सेक्टर का लीडर स्टॉक, आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर के जो लीडर स्टॉक है HDFC बैंक और कोटक बैंक, दोनों को मैंने शामिल किया है, तो दोनों स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या एक भी रख सकते हैं। और देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, तो ये तो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। 1439 रुपये इसका करेंट प्राइस है। अगला है कोटक बैंक, जैसा कि मैंने बोला था 1697 रुपये इसका करेंट प्राइस है। अगर चार्ट की बात करें मैक्सिमम ईयर में तो 22,000% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी सॉलिड रिटर्न है, तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है TCS, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, 3,182 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है। और बात करें मैक्सिमम ईयर में तो 2,569% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी सॉलिड है। और बात करें अगला तो हैवेल्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, 75,000% का रिटर्न। देखिए बजाज फाइनेंस के बाद तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्टॉक्स हैं ये पूरे स्टॉक मार्केट में, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। 1,159 रुपीज़ का करेंट प्राइस है, तो ये भी अपने पोर्टफोलियो में आप इस स्टॉक को जगह दे सकते हैं। उसके बाद अगला है मुथूट फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर का, ये भी काफ़ी बेहतरीन। देखिए ये गोल्ड, खास करके गोल्ड लोन देता है, तो गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस में काफ़ी कंपनी है रहती है फाइनेंस में। वहीं बजाज फाइनेंस वो ऐसी NBFC है जो रिटेल NBFC है, तो रिटेल में ज़्यादा काम करती है, तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। तो आप फाइनेंस सेक्टर से दो तीन स्टॉक आपको देखने मिले जो कि काफ़ी बेहतरीन, आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 1560 रुपये इसका करेंट प्राइस है। फिर फाइनेंस सेक्टर से एक और बेहतरीन स्टॉक HDFC, देखिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये हाउसिंग से रिलेटेड कंपनी जो है लोन प्रोवाइड करती है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन एक NBFC है, साथ साथ HDFC ग्रुप की पेरेंट कंपनी भी है, तो एक साथ दोनों बेनिफिट आपको मिलेगा, तो आप इस स्टॉक के साथ भी जा सकते हैं। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेंट प्राइस 2,433 रुपया है। और वहीं बात करें अगला जो है FMCG सेक्टर से मैरिको, देखिए FMCG सेक्टर में कई सारे हैं, मैरिको हो गया आपका, HUL हो गया, लेकिन जो मैरिको है इसका काफ़ी बेहतरीन जो पैरासिट ऑयल है उसका काफ़ी बेहतरीन मोनोपोली है मार्केट में, तो आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं या ब्रिटेनिया के साथ जा सकते हैं, जुबिलेंट फूड के साथ जा सकते हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं। तो इसका करेंट प्राइस देखिए 535 रुपीज़ है, 12,000% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन ये सारे स्टॉक्स हैं, आप इन सारे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसमें से कौन कौन से स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।